आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झरौसी में बुधवार सुबह मुरुम खदान धंसने से दो मजदूरों की दबने से मौत हो गई, वहीं एक घायल है। घायल की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मृतक की पहचान मुकेश कोल एवं अनीश कोल ग्राम झरौसी के रूप में की गई है। पता चला है यहां से अवैध रूप से मुरुम निकलवाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार बुधवार को ग्राम झरौसी स्थित उक्त मुरुम खदान से मुरुम लोड करने एक ट्रैक्टर लगा हुआ था, जिसमें मृतकों समेत अन्य मजदूर मुरुम भर रहे थे। इसी दौरान खदान के ऊपर हिस्से से मुरुम भरभराकर गिरी, जिसमें दोनों मजदूर दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी कुछ माह में मिट्टी की खदान धंसने से जयसिंह नगर में एक व्यक्ति की मौत और चार अन्य घायल हो गए थे। लगातार एक माह के अंदर तीन लोगों की मौत अवैध मिट्टी की खदान धंसने से हुई है। लगातार ऐसे मामले अवैध खदानों के शहडोल जिले के अलग अलग स्थानों में आ रहे हैं, फिर भी प्रशासन बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। आज जो घटना हुई है उसमें भी आदिवासी समाज के दो लोग की मौत मिट्टी मुरुम के खदान में धंसने से हो गई है। कलेक्टर वंदना वैद्य से इस विषय में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि दो लोगों की मिट्टी खदान में धंसने से मौत हुई है और संगठा योजना के तहत 10-10 हजार दोनों को राशि दे दी गई है, तथा संबल योजना का लाभ दिलाने के लिए जांच करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। अगर वह संबल योजना के हितग्राही हैं, तो उनको इस योजना से भी 4-4 लाख रुपए मिलेंगे। मौत हुई है, आज क्या मामला? अनीश और मुकेश कौल, ये दो व्यक्ति मिट्टी खोदने के लिए गए थे, वहाँ उनकी दबने से मृत्यु हुई और उनको संकटापन्न मत से 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।